जय हिंद दोस्तों। हर किसी के दिल पे एक दास्तान लिख जाऊंगा कि हर किसी के दिल पे एक दास्तान लिख जाऊंगा, जाते जाते मैं जमी को आसमान लिख जाऊंगा। अगर किसी ने देखा आग भर के हिंद को, सरहदों पर खून के हिंदुस्तान लिख जाऊंगा, हिंदुस्तान लिख जाऊंगा। जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों। आंध्र प्रदेश के 3 आर्मी जवान लद्दाख में टैंक अभ्यास के कारण शहीद हो गए। शहादत की सूचना राज्य में आते ही पूरे राज्य में मातम छाया हुआ था। कल शहीद जवान के वायुसेना के विशेष विमान से पार्थिव से इनके पैतृक राज्य में लाया गया, जहां पर अलग अलग सड़क विमान से सभी का पार्थिव शरीर पैतृक गांव में भेज दिया गया, जहां पर आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ तीनों सैनिकों को अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। लेह से 148 किलोमीटर दूर मंदिर मोड़ के पास अपने T-20 टैंक पर नदी पार करते समय अचानक पानी का स्तर बढ़ने लगा। तेज बहाव के कारण टैंक और सैनिक नदी में बह गए। आंध्र प्रदेश के 3 सैनिक एक ही बार में शहीद हो गए। 2 और सैनिक अलग अलग राज्य के रहने वाले थे, लेकिन आंध्र प्रदेश के तीनों सैनिकों को शहीद होने की सूचना राज्य में आते ही पूरे राज्य में शोक का लहर डूब पड़ा है। शहीद जवान का पहचान इस प्रकार से है, प्रकाशम जिले के एम रामकृष्ण रेड्डी है। वही दूसरा जवान बापटला जिले के हवलदार सुभान खान है। वही तीसरा जवान कृष्णा जिले के सदारा बोइना नागराजू के रूप में पहचान की गई है। सभी शहीद जवान के सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। सदारा बोइना नागराजू 32 वर्ष ये 7 साल पहले भारतीय सेना में कड़ी मेहनत के साथ भर्ती हुए थे। उनके परिवार में पत्नी मांगा देवी, एक बेटी नागराजू के बड़े भाई से लेकर प्रेरणा होकर सेना में शामिल हुए हैं। उनके बड़े भाई भी सेना में कार्यरत है। बताया जाता है कि बापटला जिले के इस्लामपुर में 17 साल पहले ही भारतीय सेना में शामिल हुए 40 वर्षीय हवलदार सुभान खान भी भावभीनी विदाई दिया गया। वे अगले 2 वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले थे। उनके परिवार में पत्नी, 2 बेटे, 1 बेटी है। उनके परिवार के सदस्य तबाह हो गए, क्योंकि खान 7 जुलाई को उसने अपने घर आने वाले थे। उन्होंने पहले ही अपने टिकट बुक कर ली थी। ग्रामीणों ने बताया कि 4 दिन पहले ही उन्होंने अपनी बेटी को जन्मदिन के अवसर पर अपने परिवार से वीडियो कॉल बार किया था। बताया जाता है कि शहीद जवान के सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। और वही तीसरा जवान रामकृष्ण रेड्डी का पार्थिव शरीर सोमवार को रात प्रकाशम जिले के उनके पैतृक गाँव कलवापली गांव पहुंचा है। मंगलवार को पूरे सैन्य सम्मान के साथ दिवंगत सैनिक का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। उनके परिवार में पत्नी उमा देवी, उनके 2 बेटे हैं। एक बेटा मर्चेंट नेवी में ऑफिसर रविकांत रेड्डी है और वही बीटे का छात्र किरण कांत रेड्डी है। परिवार अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए हैदराबाद चला गया था। 600 लोगों का आबादी वाला छोटा सा गाँव कलवापली सेना के जवानों का गांव के रूप में जाना जाता है, क्योंकि प्रत्येक परिवार से कम एक व्यक्ति भारतीय सेना में सेवा कर रहे हैं। रामकृष्ण रेड्डी के गांव वालों का अच्छा संबंध था। उन्होंने कई दोस्तों से, अपने पिता रामस्वामी रेड्डी भी सेना में थे। रेड्डी 2 महीने पहले ही एक शादी में शामिल होने के लिए पैतृक गाँव में आया था। उन्होंने अपने सभी रिश्तेदार दोस्तों से मुलाकात करके उन्होंने चले गए थे। आंध्र प्रदेश शहादत से पूरे आंध्र प्रदेश राज्य में शोक का लहर में डूब पड़ा है। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। अब तक के लिए जय हिंद। बंदे।